So hey guys, and what's up, and welcome back to my channel once again guys, and welcome back to the second episode of Road to Glory in PES 2021. तो भाई ये एक ऐसा सीरीज है जिस सीरीज में हम बात करते हैं हमारा जो PES 2021 का जो टीम है ना उसको आगे बढ़ाने का, जैसे कि उसमें नया प्लेयर्स ऐड करना, फिर टीम को सेटअप करना और फिर उसका अलग अलग डिमेंशन देखना एंड उसको कैसे टीम को अच्छा बनाया जाए, कितना कैपेबिलिटीज है प्लेयर्स में, तो ये सब करना। तो भाई ये हमारा सेकेंड एपिसोड है और इस एपिसोड के अंदर हम अलग अलग प्लेयर्स साइन करने वाले हैं और टीम को थोड़ा और अच्छे लेवल पर ले जाने वाले हैं। एंड भाई इसमें एक लेजेंड बॉक्स ड्रॉ भी इंक्लूडेड है, तो अंत तक जरूर देखते रहना। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल पे पहले बार मेरे साथ तुम्हारे साथ मुलाकात हो रहा है तो सब्सक्राइब बटन भी दबा देना, और अगर बहुत अच्छा लगे, ऐसा लगे कि अपना दोस्तों के साथ शेयर करा जा सकता है तो भाई किस बात का देरी है, बटन दिया हुआ है शेयर कर दो भाई। तो चलो गाइस बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो भाई यहाँ पे हम आ चुके हैं हमारा ओपनिंग पेज पे, तो चलो भाई हम चलते हैं माई क्लब पे और देखते हैं आज का दिन पे कौन कौन हमारा प्लेयर ऑफ द वीक, इन शॉर्ट POTW इस हफ्ते का है। तो ये तो सिर्फ कंडीशन दिखा रहे हैं हमारा, कौन कौन सा प्लेयर कौन कौन से कंडीशन में बैठे हुए हैं। और हाँ, यहाँ पे मैं मेंशन करना भूल गया था कि इस मैच में, यानी कि इस सीरीज के अंदर या इस एपिसोड के अंदर आपको एक चेंज बार्सिलोना का जो टीम है ना, वो टीम को भी मैं दिखा दूंगा, जो टीम मतलब अभी अभी आया है या अभी अभी खेलना शुरू किया है, तो वो एंड पे दिखाते हैं आपको। और अच्छा एंड पे नहीं, चलो दिखा ही देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास सूरज भैया की गुड बाई हो चुकी है, वो डिक्लेयर हो चुका है गुड बाई उसका। यहाँ पे हमारे पास डेम्बेले है, मेसी है, ग्रिज़मान है, फिर कुटिन्हो है जिसका बेस रेटिंग 85 रखा गया है, फिर बुस्केट्स है जिसका बेस रेटिंग 88 रखा गया है, एंड पैनिच जिसका बेस रेटिंग 86 एट DMF। फिर हमारे पास जॉर्डी भाई है, जॉर्डी भाई का रेटिंग 85 है, फिर बाकी तो आपको पता ही है यार, डिफेंस में कोई नया प्लेयर नहीं है, बस इतना ही है। फिर नया एडिशन का बोला जाए तो अंशु फटी, किसका यही नाम है भाई, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, अंशु फटी 82 का बेस रेटिंग है विथ गोल्ड बॉल, मेरे को पता नहीं मैक्स रेटिंग कहाँ तक जाता है, लो पास में स्टार नहीं है, लॉफ्टेड पास में स्टार नहीं है, ड्रिबल थ्रू में इसका डुअल स्टार है, बट मेरे को पता नहीं क्यों, मेरे हिसाब से डेम्बेले को थोड़ा ज़्यादा प्रेफरेंस दिया मैंने यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आपको एक चीज़ मैं दिखा देता हूँ जिससे आपको साफ हो जाएगा क्यों मैंने दिया है इसको। इन दोनों को अगर आप कंपेयर करोगे तो आप अगर देखोगे यहाँ पे जो अंशु फटी के लिए यहाँ पे जो राइट मिडफील्ड है ना, वहाँ का इसका होल्ड थोड़ा कम है, तो वही बात है, तो इसका वहाँ पे होल्ड पे थोड़ा गड़बड़ है, बट इसका होल्ड थोड़ा ज़्यादा है, बट इसका उसी जगह पे आप अगर देखोगे तो AMF पोजीशन पे इसका काफ़ी अच्छा होल्ड है जो कि डेम्बेले को देखने को नहीं मिलता है। बट हाँ, कहीं ना कहीं इसका विंगर के हिसाब से डेम्बेले काफ़ी अच्छा है, और फटी को मेरे को विंगर का काम ही कराना है क्योंकि मेरा बीच में मेसी खेलता है, मतलब जो मेन पोजीशन होता है ना उस पर मेसी खेलता है, तो मेरे हिसाब से कोई बुराई नहीं है मेसी को वहाँ पे खिलाने में, तो मैं उसको उस जगह पे यूज़ करता हूँ। और इसके अलावा बात किया जाए बाकी कोई चेंजेस है कि नहीं, तो भाई मेरे को उतना खास कोई चेंजेस दिखा नहीं है अभी तक, तो यही है अभी के लिए बार्सिलोना का टीम। तो चलो भाई चलते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट पे। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट पे जाने से पहले यहाँ पे हमको चेंज करना था स्क्वाड लिस्ट पे जाके, जो टीम हम करेंटली यूज़ करने वाले हैं, यानी कि हमारा ये वाला टीम यूज़ कर रहे थे हम करेंटली, जिसमें मैंने आपको दिखाया था हमको जैवी मिला था जो कि काफ़ी इम्प्रेसिव है भाई। अब हम चलेंगे स्काउट्स पे, और स्काउट के आप के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज भी बोल सकते हो इसको, या मेरे हिसाब से स्काउट का सरप्राइज आपको थोड़े देर बाद दिखाते हैं, और पहले अभी के लिए तो एजेंट साइन करते हैं पहले, और देखते हैं आज का स्पेशल एजेंट क्या है हमारे पास।
ये हमारा पीओटी वर्ल्ड वाइड October 8, 2020 और सेकंड पीओटी इस सीजन का। हमारे पास आ जाता है पहले ही भैया नेमार, नेमार 94 रेटेड नेमार है भाई हमारे पास। फिर आते हैं हमारे पास सॉन्ग ह्यून मीन, 91 रेटिंग है बेस पे। रॉड्रिगेज है 90 रेटेड पे। हेक्टर बर्लिन है 88 रेटिंग। फिर राइट विंगर पे बेरार्डी है। फिर हमारे पास एम्फोगो नाम का एक प्लेयर है। फिर ग्रिलिश है, पसालिच है, डॉन्टे है, चिलवेल है एंड डेविडसन है। तो मेरे हिसाब से मेरे को एक या दो प्लेयरों के ऊपर ही मेरा नज़र रहने वाला है, टिका हुआ एकदम घुस के टिका हुआ रहने वाला है। पहला है अपना नेमार भाई, क्योंकि मैं रैशफोर्ड भाई को उधर से हटाना चाहता हूँ। सॉन्ग ह्यून मीन, हाँ भाई ये अच्छा प्लेयर था बट मेरे हिसाब से वर्थ इट नहीं है उस जगह पे, क्योंकि LMF बहुत कम मैनेजर्स में होते हैं। और फिर रॉड्रिगेज है, रॉड्रिगेज पे मेरा ध्यान रहने वाला है। एंड उसके अलावा अगर किसी पे रहता है तो वो होगा हेक्टर बर्लिन। तो मेरे को तीन प्लेयर्स चाहिए इन शॉर्ट। अगर बहुत अच्छा बॉक्सर जाता है तो मेरे को नेमार मिल जाना चाहिए, रॉड्रिगेज मिल जाना चाहिए एंड हेक्टर बर्लिन मिल जाना चाहिए। तो देखते हैं भाई। तो चलो गाइस, हियर वी गो, पे विथ माई क्लब कॉइंस। 100 माई क्लब कॉइंस को देते हैं और देखते हैं भाई, प्लीज यार अच्छा ही हो भाई। भाई भाई हाथ पैर जोड़ता हूँ यार, मतलब अरे यार ये कौन सा वाला देश में लेके जा रहा है यार। भाई भाई वो भी गोल्ड बॉल यार, मतलब मेरे पास कोई आवाज नहीं है भाई, मेरे पास कोई आवाज नहीं है यार। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ओ भाई मारो मुझे, मारो नहीं, मुझे नहीं, मारो यार, मारो यार, नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार मजाक हो रहा है भाई। हमारे साथ बहुत बड़ी घटना घट चुकी है, हमारा कट चुकी है। यहाँ पर डेविडसन मिला है, हम एक बारी कुछ कांड करने का कोशिश करते हैं यार। ये वाला प्लेयर चाहिए भाई, देखो यार इसका मतलब स्टैट्स वगैरह, मतलब मजा आ जाएगा यार ये वाला प्लेयर अगर मिल जाता है हमें यार। बस मिल जाए यार नेमार, मिल जाए यार नेमार, मिल जाए मजा आ जाएगा यार, कसम से बता रहा हूँ। ले ले भाई, बहुत बढ़िया। नहीं एक ऐसा जगह पे लेके आया है जिस पे हमको जाने का कोई मतलब यार, ऐसा ऐसा टीम का प्लेयर दे रहे हो। अरे बराडी दे दिया इसने तो भाई साहब। अरे राइट विंग फॉरवर्ड नहीं चाहिए, मेसी भैया है हमारे पास यार। आज रुला के मानेंगे ये हम हमको, मतलब बहुत बहुत गंदा सीन है भाई, बहुत गंदा सीन है। लास्ट एंड द फाइनल बॉक्स ड्रॉ, देखते हैं भाई कौन मिलता है। सो हियर वी गो एंड लेट्स गो। देखते हैं भाई कोई अच्छा मिले। अबे ये थकेले पकेले इंसान, अरे यार, अरे भाई ये मतलब हद है भाई, हद है लिटरली हद है, ये तो हद हो चुका है यार। ऐसा प्लेयर चाहिए ही नहीं था मेरे को, क्या बोले, मेरे पास कोई आवाज नहीं है बोलने लायक। चलो गाइस स्काउट पे आपको दिखाते हैं हमारे पास क्या है। स्लॉट वन पे चलते हैं और स्पेसिफिक प्लेयर्स लेते हैं। एंड हियर वी आर विद द बिग गाइस, डिएगो मैराडोना 97 रेटेड, योहान क्रॉयफ 93 रेटेड, जीको 92 रेटेड, ओलिवर खान एट 91 रेटिंग, रोमेरियो एट 91 रेटिंग, बर्कैंप SS 90 रेटिंग, इनिएस्टा, रूमिनिक, बेकनबावर, रोनाल्डिनियो, वैन बास्टन, पैट्रिक वियरा, नेडवेड, बातिसुता, गोलिट, फिर रोबर्टो कार्लोस, फिर टॉटी, मेल्दिनी, फिर फिगो, हमारा यंग वाला थोड़ा बेकहम, रिवाल्डो है, पिडलो है, मथेस है, डेलपियरो है, पियोल है। भाई दो दो बेकहम, मजाक चल रहा है यहाँ पे, मजाक चल रहा है। फिर कैसियास है यहाँ पे, फिर रायकार्ड है, लैम्पार्ड है, स्कोल्स है, काफू है, लॉ है भाई, शेक है, क्लुइवर्ट है, बेबेटो, फिर वैंडरवर्ट है, पार्क जी स्विंग है, कैम्बेल है, नकाता है, डीको है, अर्शविन है, फिर पीरेस है, ओनो है, मोनी एंट्रेस है,
ओएन है और फर्नांडो टोरेस है, तो मेरे हिसाब से मेरे को दो तीन लेजेंड्स चाहिए। इनमें से मैराडोना मिल जाए तो दिन बन जाएगा। क्रॉयफ नहीं चाहिए यार, क्रॉयफ हाँ सही प्लेयर है बट मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को इंटरेस्ट नहीं है उसमें। इनिएस्टा मिल जाए तो भाई पार्टी दे दूंगा कसम से, जितने बंदे मांगोगे उतने बंदे को पार्टी दूंगा भाई, कसम से बता रहे मैं। फिर हमारे पास आ जाता है रोनाल्डिनो एट 91 रेटिंग एएमएफ पे, गुलीट है हमारे पास, फिर बतिस्ता है ठीक है, वियरा मिल जाए भाई, वियरा मतलब दिन बन जाता है, या वियरा मिल जाए नहीं तो बेकहम मिल जाए। कार्लोस नहीं चाहिए, कार्लोस है ऑलरेडी मेरे पास, और अगर ये में से कुछ भी नहीं देते हो तो काफू दे देना भाई, दिल खुश हो जाएगा। बेकनबावर का मेरे हिसाब से मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ने चाहिए, बट देखते हैं बाकी क्या होता है, वो तो समय बोलेगा। अरे यार ये इस पे क्या है ये, मतलब यहाँ पे रिक्वेस्ट नेगोशिएशन करना था, मैं भी पागल हूँ। तो चलो गाइस हियर वी गो विद द लेजेंड बॉक्स ड्रॉ। यस ये ही तो एनिमेशन है भाई, यही तो असली एनिमेशन है, बाकी तो भाई सब फेक है भाई, सब फेक है दुनिया में, यही तो असली कहानी है। कौन आया है भाई, जो मांगोगे उसको छोड़ के सब कुछ आ सकता है। अरे क्लूई वर्ड दे दिया, मतलब क्या, मतलब हमसे क्या दुश्मनी है भाई, ना तुम मेरे को पीओटी दिए और ना ही एक ढंग का लेजेंड दिए यार, इतना दुख कि कहां छुपाए हम, मतलब हद हो चुकी है यार, मतलब क्या बताऊं मैं। चलो भाई किसी ना किसी को तो हटाना ही पड़ेगा इस टीम से, क्योंकि अपना क्लुईवर्ड भाई को जो टीम में रखना है ना, तो चलो भाई हटा दिए किसी ना किसी को। अब कुछ और इस पर सेटिंग करेंगे हम, अभी भी बचा है सेटिंग। तो वैसे पता है भाई वीडियो थोड़ा लंबा जा रहा है, बट हाँ देख लो यार, मतलब मज़ा आ जाएगा तुमको देखने के बाद। हम अलावा को यहाँ पे ट्रेनर करेंगे, फिर दो तीन और ट्रेनर होने वाला है, किम्पेम्बे को ट्रेनर बनाएंगे और बराडी को ट्रेनर बनाएंगे। यहाँ पे मैं बता देना चाहता हूँ आपको कि बाकी सब एक दूसरे को, मतलब अलावा को ट्रेन करने वाला है, किम्पेम्बे को ट्रेन करने वाला है, बट बराडी मेसी को ट्रेन करने वाला है यहाँ पे। तो ये एक्सपी ट्रेनर पे दबाते हैं और बराडी से करना पड़ेगा ना मेरे को। चलो भाई बराडी को करते हैं। अरे यार लेवल 13 तक ही जा पाए भाई, कोई बात नहीं आगे निकलेंगे। अरे यार ये इसका एक सेटिंग है भाई, सेटिंग को ये सही नहीं करते आज पे, मतलब हद हो जाती है यार इसका सेटिंग देखने के बाद मेरे को, कैसे बंदे सेट किया हुए भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा। अच्छा सही है, चलो कोई बात नहीं, इट्स माई मिस्टेक गाइस। तो चलो भाई अलावा को ट्रेन करके देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाता है ये बंदा। 90 तक गया, कोई बात नहीं, 90 का भी काफ़ी अच्छा लगता है मेरे को, 90 तक भी कोई पहुँच जाए। बाकी किम्पेम्बे को भी देख लेते हैं यार कहाँ तक जा पाता है ये अपने आप का ट्रेनिंग बूस्ट को लेकर। लेवल 7 तक गया विथ 92 रेटिंग, मज़ा आ गया ब्रोज, मज़ा आ गया, बाय गॉड बता रहा हूँ मज़ा आ गया भाई। और माई क्लब रिकॉर्ड में भी कुछ आया है शायद से। अच्छा टैक्टिकल ट्रेनिंग मिला है, एक टैक्ट ट्रेनिंग मिला है हमको, देखते हैं और कुछ होगा तो वो भी रिडीम कर ही लेंगे। बाकी अभी चलते हैं जल्दी से, पीके को हटाएंगे उसका पोजीशन से और किम्पेम्बे को डालेंगे उसका पोजीशन पर, एंड बाकी काइल वॉकर को भी हम हटा नहीं पाए तो उस बात का भी दुख है मेरे को बहुत ज़्यादा। टैक्टिकल ट्रेनिंग करते आ जाओ, पूरा 5 को यूज मारेंगे, लेट्स गो गाइस विद 5, पांचों का यूज कर देते हैं। एंड हियर वी आर 92 रेटिंग कंप्लीट, 99 रेटिंग हमारा कंप्लीट हो चुकी है विद अ टीम रेटिंग ऑफ 3751 जो कि बहुत ज्यादा है मेरे हिसाब से। एंड बाकी गाइस यही था हमारा इस एपिसोड में ऑफ ग्रोइंग दिस टीम टू अल्टीमेट टीम। और भाई कुछ और बातचीत थे आपसे भी, क्योंकि भाई हम लोग आजकल मतलब थोड़ा बहुत इरेगुलरिटी आजकल हम में से आ रहा है,
तो इसी वजह से हम थोड़ा ज्यादा अमाउंट ऑफ लाइव स्ट्रीम्स भी कर रहे हैं। बट हाँ, अगर आप लोग एक बारी नीचे कमेंट कर देना कि आप लोग क्या चाहते हो कि मैं आने वाले टाइम के अंदर माफिया जो गेम है, माफिया का जो डेफिनेटिव एडिशन आया है, उसका पूरा स्टोरी को मैं एक बारी गो थ्रू करूँ और पूरा स्टोरी का गेम प्लेस अपलोड करूँ। क्योंकि भाई उसका गेम प्लेस अगर अपलोड होगा तो बहुत लंबे लंबे टाइम का होगा, जैसे कि 1-1.5 घंटे का मैं प्रीमियर डालूंगा, हर रोज होने वाला है, एक फिक्स टाइम आप लोग डाल देना, उस टाइम पे मैं उस गेम को प्रीमियर पे डाल दूंगा 1-1.5 घंटे का, जिससे कि आप सब लोग आओ और एंजॉय कर पाओ। काफी लंबे वीडियोस होने वाले उसका भी, अगर उसका गेम प्ले करूंगा, क्योंकि वो अनएडिटेड एंड अनकट होने वाला है वो वीडियो। मेरा कोई भी गलती मैं हाइड नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि मैं किससे हाइड करूँ भाई, आप लोग ही तो हो, तो मैं किससे हाइड करूँ गलतियाँ। तो ठीक है, वो अनकट होने वाले हैं वो सारे के सारे वीडियो, सिर्फ और सिर्फ गेम प्ले मिलेगा विद कमेंट्री मिलेगा, उसका कोई टेंशन मत लो। तो वो भी एक बार नीचे कमेंट कर देना और स्टे ट्यून्ड रहो इसका थर्ड पार्ट के लिए, हमारा लीगेसी टीम का, क्योंकि रोड टू ग्लोरी का थर्ड पार्ट आने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, क्योंकि भाई समझ सकते हो ना यार, कॉइन्स कलेक्ट करने में कितना फटती है, तो वही बात है। तो कॉइन्स इतने दिन में कलेक्ट हो जाएगा, फिर से थर्ड एपिसोड हम लाएंगे और अपलोड करेंगे आप लोगों के पास। तो मिलता है भाई आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो, मेरे साथ आपका पहली बार मुलाकात हुआ है तो सब्सक्राइब बटन दबा देना, और अगर बहुत अच्छा लगा है तो दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। अगर आप अभी तक मेरे को फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किए हो तो दोनों का हैंडल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो वहां पे जाके जरूर से चेकआउट करें। अगर आप हम लोगों के साथ लाइव स्ट्रीम पे बातचीत करना चाहते हैं या लाइव मेरे से बातचीत करना चाहते हैं हमारा स्ट्रीम्स में, तो नीचे दी गई डिस्कॉर्ड लिंक पे जरूर से जाए और ज्वाइन कर ले, क्योंकि वहां पे हम लोग हर संडे को बैठे रहते हैं। एंड अगर आप लोग सीधा मेरा साथ मिलना होता है तो मिलता है आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय गाइस।